नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। आज आप देख रहे होंगे आराम से हम दोनों बैठे हुए हैं और इस तरह से ब्लॉग बना रहे हैं, ये सेल्फी मोड में नहीं बना रहे हैं। तो जी बात ये है, आज हम एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने वाले हैं। जी पहले भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो देखा होगा, लेकिन उसमें था जिया के पसंद का सामान और जिया का ही सामान था। और आज जो सामान हम दिखा रहे हैं ये हमारी पसंद का और ये पूरे घर के लिए है, तो समझ सकते हैं जी कौन ज्यादा स्वार्थी है। तो ऑब्वियसली ये है ज्यादा स्वार्थी। तो जी क्योंकि बहुत ज्यादा सामान था तो एक एक करके वीडियो बना रहे हैं, तो आज इस अनबॉक्सिंग का दूसरा वीडियो है। टोटल हम 5 वीडियो बनाएंगे, तो आज यह दूसरा वीडियो है। तो अब ज्यादा देरी नहीं करते हुए, आपका समय ज्यादा जाया नहीं करते हुए, हम वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि हमने क्या क्या खरीदा है घर के लिए। और सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हमने यह सारा सामान खरीदा है मीशो से। आजकल हम मीशो से सामान खरीद रहे हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। जी हाँ, क्योंकि मीशो एक रीसेलर ऐप है, तो यहाँ पर सामान को ऑलरेडी वो लोग थोड़ा सस्ता रखते हैं, तो हमें भी फायदा हो जाता है। बाकी जो भी रिसेल करना चाहते हैं वो मीशो के जरिए रिसेल भी कर सकते हैं और अच्छा खासा घर बैठे इनकम कर लेते हैं। ये सब पूरा डिटेल हमने पहले ही दे रखा है, तो आपने हमारा अभी तक मीशो का वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ जो आई बटन है इस पर आप क्लिक करिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा कि मीशो क्या है क्या नहीं है। तो फिर शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले जो हमने लिया था जी, ये 4 मोंक बुद्धा, बेबी मोंक बुद्धा कह सकते हैं, और चारों का अलग अलग पोज में है, तो एक अलग अलग मैसेज दे रहे हैं। यह मेरा खुद ही अजम्पशन है, मुझे नहीं पता किसका हो सकता है कुछ अलग अर्थ हो, तो प्लीज आप लोग ऑफेंड नहीं होइएगा अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए अनजाने में। तो सबसे पहला है यह जो बेबी मोंक बुद्धा, यह गाल पर हाथ रखा हुआ है, यह लग रहा है कि कुछ चिंता में है। आप ही के जैसा लग रहा है, आप कैसे किए फिर से एक बार दिखाइए तो। अच्छा ऐसे मोंक बुद्धा, यह है शायद जो गांधी जी का 3 बंदर है, उनमें से एक बंदर वाला शायद मैसेज है कि बुरा ना बोलो। हो सकता है बुरा ना बोलो उसका। ये आंख बंद किया हुआ है, तो ये शायद कहना चाह रहे होंगे कि बुरा मत देखो। और जो ये चौथा बुद्धा है, बेबी बुद्धा, यह है कान पर हाथ रखा हुआ, शायद हो सकता है इसका मैसेज बुरा ना सुनो। इसका क्या सही मीनिंग है आप में से किसी को पता है, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि इनमें से क्या मीनिंग है। हमें यह देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, इस वजह से हम लोगों ने लिया। हमने सोचा कि अपने रूम में इसको लगाएंगे और बड़ा ही प्यारा लगेगा यार। सबसे ज्यादा इसका हेड बहुत प्यारा लग रहा है, हेड बड़ा प्यारा है। सोच रहे हैं कि जब कभी जाएंगे कहीं पहाड़ वहाड़ में तो इस तरह का हेड जहाँ भी दिखेगा। वैसे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का एक टूर का प्लान है, तो उस साइड ऐसा हेड सब देखे पहनते हुए लोगों को। अच्छा, तो हम लोग भी पहनेंगे। वाह। तो जी हमारा जो दूसरा सामान है वो आपको दिखाते हैं। डोर मैट लगा था मुझे इसका ही एक कलर, तो ऊपर जब हम लोग शिफ्ट होंगे तो यहाँ नीचे के लिए नहीं लिया है, जब ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग शिफ्ट होंगे, इसलिए अभी तक इसके पैकेट को खोला भी नहीं हमने। तो बताइए आप लोग कैसा लग रहा है यार। तो यहाँ था हमारा जी दूसरा सामान, और इसका जो प्राइस है आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मीशो पर जा करके ले सकते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट कोड हमने डाल दिया है, अगर आपने मीशो का पहले हमारा वीडियो देखा होगा, मैंने बताया था कि मीशो में जो है प्रोडक्ट कोड होता है, यहाँ पर लिंक नहीं होता है। तो अगर आपको कोई भी सामान पसंद आ जाए और आपको सामान लेना है, सारे प्रोडक्ट का जो कोड है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से कोड लीजिएगा, मीशो के सर्च बॉक्स में जाइए, वहां पर आप सर्च करिएगा और आपको वहां प्रोडक्ट दिख जाएगा और आप वहां पर आसानी से सामान ले सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं अब अपना तीसरा सामान जो हमने खरीदा है घर के लिए। जी यहाँ हमने लिया था एक, यहाँ नाइट लैंप लिया है, और इसको हम जला करके दिखाते हैं तो आपको इसका सही लुक मालूम चलेगा। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक बल्ब लगा दिया है, उसे सोचते हैं शायद इसमें नाइट बल्ब लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हमने वह जो नॉर्मल CFL होता है वह हमने लगा दिया है, तो आपको लाइट नहीं मिलेगा, लाइट आप खुद से लगाना। हाँ जी, लाइट आपको अलग से खुद से लेना पड़ेगा। तो जी यहाँ हमारा लैंप ऑन हो चुका है, तो शायद अभी इसका सही लुक नहीं पता चल रहा होगा, तो वैसा करते हैं लाइट को ऑफ करते हैं तब आपको दिखा, लाइट ऑफ कर देना चाहिए, ये देख सकते हैं यहाँ। अब तो लाइट जला दो, आपको दिखा दीजिए अब किसका इंतजार कर रही है आपके बोलने का। इसका भी कोड हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको यह अच्छा लग रहा है, अगर आप भी यह लेना चाहते हैं अपने घर के लिए, थोड़ा सा शौक है सजावट का, तो खरीद लीजिए, थी मस्त है। तो इसका कोड हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप मीशो पर जाइए, कॉपी पेस्ट मारिए और मिल जाएगा आपको। और ये बताइए किसका पसंद था? यहाँ जो पसंद है मेरा पसंद था। कितना झूठ बोल रहे हैं, देख लीजिए बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है, ये पसंद मेरा था। हाँ जी दिखाया इसने था,
लेकिन उसके बाद पसंद हम किए कि हाँ ये अच्छा है, हमको भी पसंद आया, इसको भी पसंद आया, तो कह सकते हैं यहाँ दोनों का पसंद अच्छे से रख देते हैं। बड़ा ही नाजुक है, संभाल के रखना होगा, थोड़ा सा इस पर लगा प्रेशर। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा शीशा का वर्क किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब हमें लगता है किसी ने अपने हाथ से बनाया हुआ है जैसा हमको लग रहा है। हो सकता है हैंडमेड हो या कि तमराज के लिए इसका जो था पाप मनी उस टाइप से लग रहा है जब इसको जला लेते हैं अंधेरा कैमरे। हो गया तीसरा सामान, अब हम आपको अपने इस हॉल का अगला सामान दिखाते हैं। यहाँ दो बेडशीट, आपको इसको अच्छे से खोल कर दिखाते हैं और इसको हम बिछा कर भी दिखा देंगे। हमें बड़ा ही प्यारा लग रहा था यार, जब हमने इसका फोटो देखा था उसी समय अच्छा लग रहा था, एक बार में पसंद कर, रेटिंग भी था ना वो भी काफी अच्छा, रेटिंग भी अच्छा था। मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब तक तो 4+ था, उसके बाद क्या है रेटिंग वो हमें अंदाजा नहीं है। इसके साथ आपको ये दो पिलो कवर मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, ये पीछे का और ये आगे का, फुल कॉटन है। और इसका जो मतलब ये कलर है, ये सब बीच में व्हाइट के बीच में हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, पूरा फ्लावर बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसका भी हम प्रोडक्ट कोड अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसको भी पसंद आए तो आप जाकर के आसानी से ले सकते हैं। और एक बेडशीट लिया था जो बहुत पसंद आया था हमें बहुत ज्यादा, तो यह देख सकते हैं आप एक, और पीछे आपको ये वेलवेट वाला कपड़ा है, और यह है मेन बेडशीट। तो इसको जब बिछाएंगे तब इसका ज्यादा अच्छे से आपको लुक मालूम चलेगा। हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आया, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जी इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा हमें वेलवेट का है। हाँ। और इसकी जो क्वालिटी है सही ही है, जो प्राइस है इस प्राइस में इतना अच्छा सामान वर्थ है जी। मार्केट में बहुत ज्यादा थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, मतलब मीशो पे सस्ता मिल जाता है इस वजह से। हमारा जो अगला सामान है जो हमने खरीदा था ऊपर के लिए, वो है जी यहाँ कर्टन, ये देख सकते हैं। हमारा जो ऊपर वाला रूम है वहाँ पर एक दीवार क्योंकि ग्रीन कलर का है तो उससे हमें यह मैच करता हुआ दिखाई दिया, तो हमने यह ग्रीन कलर का एक पर्दा ले लिया है। और ये जो है ना थोड़ा लंबा पड़ गया है, तो 4x7 है मेरा, अगर आप 4x6 लेते हैं तो परफेक्ट आएगा, तो जैसे हमको लगता है नीचे से कटवाना पड़ेगा आपको। जो कर्टेन था वह था हमारे दरवाजे के लिए और हमने खिड़की के लिए भी कर्टेन मंगाया है, तो वह भी आप लोग के सामने ही इसको फाड़ते हैं। यह लिया आई थी हमने खिड़की के लिए, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यह कलर, बहुत ज्यादा प्यारा है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। और आप लोग जो भी सामान लेते हैं ना उसमें रेटिंग देख लेते हैं। बिल्कुल, अगर आप किसी सामान को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें सामान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो हम जो अपना तरीका अपनाते हैं वह यह करते हैं, देखते हैं कि कितना रेटिंग है, कि अगर 400 लोगों ने रेटिंग दिया है, 500 लोगों ने दिया है और उसमें स्टार कितना है, तो उसके बाद हम लोग लेते हैं। अगर उसमें 3.9 या ज्यादातर देखते हैं कि 4 से ऊपर जब भी रहता है तो हम लोग अपना ले लेते हैं। यह एक फुल प्रूफ तरीका है किसी भी सामान को खरीदने का, तो कोई भी सामान खरीदे तो उसका पहले रेटिंग देख ले और यह भी देख ले कि कम से कम 400-500 लोगों ने तो कम से कम उस पर रिव्यू दिया हुआ हो, तब आप लीजिए। कोई कोई सामान होता है कि मार्केट में नया नया उतरता है तो उस पर तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा शुरुआत में कम सेल रहेगा, तो वहां पर अपना एक दाव खेल लेते हैं कि हाँ यह अच्छा ही होगा, तो कभी कभी तुक्का सॉलिड बैठ जाता है, कभी कभी गड़बड़ बैठ जाता है। बहुत स्मार्ट, देख सकते हैं ये हमारे विंडो का कर्टन है, ये 4x5 का है, ये 4x5 का है, और 4x6 अगर आप लीजिएगा तो आपके गेट का आ जाएगा जी। बिल्कुल, इसका हमने 5 सेट मंगवाया है तो बाकी यहाँ पर रखा हुआ है, तो सोच रहे हैं कि वो आपको नहीं दिखा, और कुछ उस साइड रखा हुआ है तो एक आपको सैंपल दिखाना था, क्या 5 अलग खोल खोल के दिखाएंगे आपको, ये काफी है समझने के लिए। हाँ। जी अगर यह कर्टेन आपको पसंद आ रहा है और अगर आप भी यह लेना चाहते हैं अपने लिए, तो इसका कोड जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप मीशो में जा करके सर्च करके इसको ले सकते हैं। जैसे कि सामान आपको पसंद नहीं आया तो मीशो में 7 डेज का रिटर्न पॉलिसी भी है, और बाय चांस मान लीजिए डिफेक्टेड सामान भी आ गया तो यह एक्सचेंज पॉलिसी भी है,
मीशो वालों को आप जो फोटो खींच करके भेजिए, एक ऑप्शन आता है वहाँ पर कि जो भी डिफेक्टेड सामान है तो मीशो वाले सामान को एक्सचेंज भी कर देंगे। मौसी ने वेजिटेबल स्टैंड मंगाया था तो उसका डिफेक्टेड आ गया, हमें तो बहुत ही अच्छा मिला लेकिन उनका जो गया ना वो उसमें थोड़ा टूटा हुआ था। तो मौसी ने हमें बोला, हमने ही खुद ऑर्डर किया था, हमने कहा कि तुम फोटो खींच करके भेजो, फोटो खींच करके मीशो पर डाल दिए और सामान उन लोगों ने आराम से एक्सचेंज कर दिया, तो ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं उसमें। और जी हमारा जो लास्ट सामान है वह है यह डब्बा। जी यह डब्बा नहीं है, इसके अंदर शू स्टैंड का सारा पार्ट पुर्जा है। तो यह हमने लिया है एक शू स्टैंड ऊपर के लिए, वैसे एक अल्लाह है ही लेकिन इतने सारे घर में जूते हो गए हैं कि थोड़ा स्पेशली इनका थोड़ा कम पड़ गया है जगह। ये शू स्टैंड को हम जो है पहले एक बार सेट कर लेते हैं और इसका फाइनल लुक दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यह कैसा सामान है। तो जी आप देख सकते हैं यह जो जूता स्टैंड है हमने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इसे हमने अपने मेन जो गेट है उसके बाहर रखा हुआ है, तो जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी लोग आते हैं यहाँ पर अपना जूता चप्पल खोल लेते हैं और हमारे यह सही काम पर आ रहा है। तो जी यह था हमारा मीशो का कुछ सामान जो अभी आपको दिखाया, तो आपने देख लिया ना हमारे पसंद का सामान, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप सभी को और कौन सा सामान सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा कि इनके पसंद का क्या था, कुछ भी नहीं था, बस मेरे पसंद का। हाँ जी बिल्कुल दिखाना, अब देखो तुम्हारा पसंद मेरा पसंद बात बराबर है, देख लिया क्या है, बहुत ज्यादा तेज है। तो जी जैसा कि आपको हमने बताया यह सारा सामान जो है मीशो से लिया है हमने, और मीशो जो है इंडिया का बेस्ट रीसेलर ऐप है जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। और इसके बारे में अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, यहाँ जो है बटन इस पर आप क्लिक करिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, उस पर एक प्रॉपर डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां से देख लीजिएगा मीशो से कैसे शॉपिंग करना है और कैसे सामान को जो है रीसेल करना है। मीशो को लोग रीसेल करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, अपने लिए सामान मंगवाने के लिए भी यूज करते हैं जैसे कि हमने मंगवाया है। और इन सभी का जो कोड है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आपको जो भी सामान अच्छा लगे ले लीजिए और पसंद नहीं आए तो रिटर्न कर दीजिए, कोई डिफेक्टेड सामान आए तो एक्सचेंज कर दीजिए, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। और हमने डिस्क्रिप्शन में मीशो ऐप का लिंक भी डाल दिया है, तो अगर आपने मीशो ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है पहले ऑर्डर पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करना चाहते हैं, और आप लोग कमेंट करके तब बताइएगा कैसा लगा आपको ये सब सामान। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। और जी साथ में एक शेयर तो बिल्कुल कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। अब बाय हो गया, सामान तो फोल्ड करो, सामान कैन फोल्ड कर रही है, बहुत बढ़िया सारा फैला करके रख दिए, आप देख सकते हैं कितना फैला हुआ। जिसके साथ दिक्कत क्या है कि अगर हम सामान को अरेंज भी कर देंगे तो कहेगी इससे अच्छा तो यही था कि आप सामान को वहीं छोड़ देते, हम खुद कर लेते काम, आपको काम देने से ये कुछ भी कर देंगे, पूरा फैला करके रख देंगे पूरा रूम और फिर सारा हमको फोल्ड करना, फिर ये अभी सारा फोल्ड हम करेंगे ये चले जाएंगे। अब जब अनबॉक्सिंग हुआ है तो उसमें तो सामान फैलेगा, तो समेटो आप।